नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में हो रहे मतदान को लेकर कुछ अपडेट्स। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर अब तक 5 घंटे में 34.10% मतदान हुए हैं। दोपहर 1 बजे तक राज्य के 23 में से 13 जिलों में 35% से ज्यादा मतदान हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा 40.59% मतदान फाजिलका में हुआ है, जबकि मोहाली के साहिबा ज्यादा अजीत सिंह नगर में सबसे कम महज 27.22% मतदान हुआ है। इससे पहले राज्य में सुबह 9 बजे तक 4.80 और 11 बजे तक 17.77% मतदान हुआ। अकाली दल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मोगा जिले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की कार को सीज कर दिया है। आयोग की टीम ने सोनू का पीछा करते हुए उनके दूसरे बूथ में जाने पर कार्रवाई की है। उन्हें घर में रहने को कहा गया है। सोनू ने इस घटना के बाद ट्वीट कर मोगा जिले में बाहरी लोगों के वोट करने का आरोप लगाया है और आयोग से कार्रवाई की मांग की है। मोगा सीट से सोनू सूद की बहन मालविका चुनाव लड़ रही हैं। जालंधर के डेरा बाबा नानक विधानसभा एरिया में वोटिंग के दौरान शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बूथ नंबर 8 पर फर्जी मतदान के चलते दोनों पक्ष आपस में टकराए हैं। इसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अमृतसर ईस्ट सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया का वेरका में बने पोलिंग बूथ पर आमना सामना हुआ। विक्रम ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और वहां से चले गए। इसके बाद सिद्धू भी पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए। बरनाला जिले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भदौड़ सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपके कैंडिडेट लाभ सिंह उगोके की कार पर हमला कर दिया। ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी, जिससे एक कांग्रेसी वर्कर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज की वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 35.88% वोट डाले गए हैं। शुरुआती घंटों में वोटर्स का जोश हाई रहा। बुजुर्ग और दिव्यांग भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। दुल्हने भी बूथ पर दिखी, जो विदा होने से पहले वोट डालने आई। मुलायम सिंह व्हील चेयर पर वोट डालने आए। मुलायम के भाई 78 साल के अभय राम बाइक से वोट डालने पहुंचे। वहीं अखिलेश और डिंपल ने पूरी फैमिली के साथ सफाई में वोट डाला। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को सट्टा और कट्टा से मुक्ति मिल गई है। बेटियां बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कानपुर के ही हड़सन मतदान केंद्र पर हिजाब को लेकर विवाद बढ़ गया। यहां हिजाब पहनकर आई मुस्लिम महिलाओं को बूथ में जाने से रोका जा रहा था। औरैया में जौरा पोलिंग बूथ पर सपा एजेंट अरविंद निषाद से मारपीट हुई। भाजपा समर्थकों पर आरोप है। इटावा सदर सीट पर कोकपुरा शाला पर बूथ एजेंट कृष्णा कांत तिवारी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उधर ललितपुर विधानसभा के तालबेहट और टुंडला के अनवारा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अनवारा में केवल 10 वोट पड़े हैं। फरुखाबाद में 198 बूथ संख्या में 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब होने के चलते 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ है। वहीं कन्नौज में भी आधे घंटे देरी थी। सपा ने शिकायत की है कि कानपुर देहात में साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। आज जिन 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट की है, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिकरू कांड वाले कानपुर और छापों से चर्चा में आए इत्र व्यापारी वाले कन्नौज में भी वोटिंग हो रही है। अखिलेश के चाचा शिवपाल, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी चर्चा वाले चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फरवरी को 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पहले ही हो चुकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।